दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी चीज़ है, हर किसी में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए, लेकिन वो अपने पैसे से आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए। कई बार ये महत्वाकांक्षा किसी आदमी को, किसी औरत को ऐसी जगह ले जाकर छोड़ देती है कि इंसान आगे देखता है तो पूरी तरीके से सन्नाटा और पीछे देखता है तो बिल्कुल बहुत बड़ी खाई। और ये सिचुएशन आज के माहौल में, आज के रेट में बहुत ज़्यादा हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करेंगे तो हर सोसाइटी में, हर परिवार में, हर जगह ऐसे विचारों से मिलते हुए लोग अवेलेबल हैं। आपको ज़रूरत है, हमें ज़रूरत होता है ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहने की, क्योंकि ये खुद तो खुद बर्बाद होते ही हैं लेकिन दूसरों को भी बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की है। दरअसल यहाँ पे एक लड़का होता है जिसकी 11 साल पहले शादी हो रखी होती है। 11 साल तक ये जो पति पत्नी थे बहुत अच्छे से रहते थे, सब कुछ सही चल रहा होता है। इनके दो बच्चे हैं, एक तो इनका 9 साल का बेटा है और दूसरी जो होती है वो 5 साल की बेटी है। परिवार बिल्कुल सुख और समृद्धि से चल रहा था। ये जो हस्बैंड है ये MR होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन डॉक्टर के पास जाके दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लाना, उसके बाद कंपनी से वो दवाइयाँ ले जाके उस डॉक्टर को देना, यही इसका काम था। और आप जानते होंगे कि MR की जॉब में हस्बैंड को ज़्यादातर टाइम घर से बाहर रहना पड़ता है। और इस घर से बाहर रहने का जो फायदा होता था, इसका पूरा फायदा इसकी पत्नी उठाती थी। MR को बिल्कुल डाउट ही नहीं था, पता ही नहीं था कि ये घर के बाहर जाता है कमाने के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। और उसके पीठ पीछे उसकी अपनी पत्नी बहुत अच्छे तरीके से गुल खिला रही थी, जो कि बिल्कुल उसको डाउट ही नहीं था। लेकिन जब मामला ये पकड़ा जाता है तो आप सोचेंगे कि ये किस तरीके से वाक्य सारा होता है। आप जब सुनेंगे तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों ये जो MR है ये बहुत अच्छा बंदा होता है, दिल का बहुत साफ सुथरा है, परिवार को खुश रखने के लिए वो सब कुछ करता है जो कर सकता है। लेकिन ये जो MR के चाचा का लड़का होता है ये इस समय सिर्फ और सिर्फ 21 साल का है। और एक ही परिवार में होने की वजह से इन देवर और भाभी में हमेशा हंसी मजाक चलता रहता है। जब भी टाइम मिलता है ये 21 साल के चाचा का लड़का हमेशा इस भाभी के पास आता, इससे हंसी मजाक करता, बातचीत करता, झूठी मूठी तारीफ करता और हमेशा उसको उसके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ ना कुछ गलत चीज़ें बोलता रहता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हारे लिए ये भी ऑप्शन है, यानी जो भी एग्जांपल देता हमेशा गलत वे में देता। और संभव इस भाभी का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एक बार इस ऐसी ही बातें करते करते, तारीफ करते करते इन देवर और भाभी में एक अवैध जो संबंध होता है वो पनप जाता है। अब जब भी MR इसका पति बाहर जाता जॉब की खोज में, ये देवर भाभी एक कमरे में जाके बंद हो जाते और वहाँ पे वो सब कुछ करते जो इनको नहीं करना चाहिए था। देवर भाभी के रिश्ते को पूरी तरीके से शर्मसार करते और ये सिलसिला कंटिन्यूसली पिछले 8 महीनों से चलता आ रहा था। अब बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन अगर 9 साल का कोई बच्चा है तो वो डाउट जरूर करेगा। इस बच्चे को भी डाउट होता है, लेकिन माँ चुपचाप जो है उसका मुंह बंद करा देती है, डांट के कि किसी को बताना मत। लेकिन इस बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि मेरी माँ मेरे चाचा के साथ क्या करती है। और ये जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक दिन ये जो लड़का होता है ये बोलता है कि भाभी आपका जो हार है बिल्कुल छोटा सा है, टूटा हुआ सा है, अगर आप चाहो तो ये नया हार आपको मिल सकता है। औरत ठहरी औरत, लेकिन अगर लालची औरत हो तो उसका माइंड जो होता है डाइवर्ट होने में 1 सेकंड नहीं लगता है। इस औरत के साथ भी वही होता है। ये औरत कहती है कि हाँ बताओ ये कैसे हो सकता है। उस लड़के ने कहा, इसके चाचा के लड़के ने, इसके सगे देवर ने, कि मेरा एक दोस्त है बहुत पैसे वाला है, तुम वो सब कुछ उसके साथ भी करो जो मेरे साथ करती है, वो पैसे की झड़ी लगा देगा, वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। औरत एक बार सोच विचार करती है और बोल देती है ठीक है उसको बुलाओ, मैं उसके साथ भी इंजॉय करूँगी। फाइनली वो लड़का भी आता है और वो इस औरत के साथ वो सब कुछ करता है जो करना चाहिए था। बिल्कुल पड़ोस में ही गाँव में 2 घर छोड़ के उसका घर था। अब इस औरत का अपने पति के पीठ पीछे, पति के अलावा 2 अलग अलग लड़कों से संबंध हो जाता है, 2 जो रिश्ते में इसके देवर लगते थे। और फाइनली जब उसको हार भी नहीं मिलता है, उसकी इज्जत भी चली जाती है, तब इस औरत को पता चलता है कि इसने कितना बड़ा काम किया है। एक दिन थक हार के ये जो 9 साल का बच्चा होता है अपने बाप को बता देता है कि पापा आप नहीं होते हो तो ये मेरे चाचा जी हैं ये कमरे में आते हैं, मम्मी के साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं, और एक और अंकल है जो आते हैं वो भी वही काम करते हैं। अब इस आदमी जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, पता करना शुरू किया, तो होश उड़ गए। इसने फ़ोन डिटेल्स निकाली, कॉल डिटेल्स निकाली और आसपास के लोगों से पता चला कि हाँ जो 9 साल का लड़का बता रहा है वो सही है, ये लोग इसके कमरे में आते थे, इसके साथ एक एक 2-2 घंटे टाइम व्यतीत करते और फिर निकल जाते। अंत में ये जो MR होता था, अच्छा बच्चा, अच्छा बंदा था, इसके दिल पे इतना ज़्यादा भयंकर चोट लगती है कि ये कहीं से भी पिस्टल अरेंज करके लाता है और अपने सगे चाचा के लड़के को
ऑन द स्पॉट खड़ा करके गोली मार देता है, और चाचा का लड़का जो होता है उसके प्राण पखेरू उड़ जाते हैं, उस दुनिया को अलविदा कह जाता है। और इस तरीके से इस जो नापाक रिश्ता था, अवैध संबंध का, इसका खात्मा हो जाता है। और दूसरा जो लड़का था वो भी इस लड़के से दूरी बनाना शुरू कर देता है, इसमें फरार है। लेकिन देखते हैं, पुलिस भी उसके इन्वेस्टिगेशन के पीछे पड़ी हुई है कि इस पूरी वारदात में पूरी कहानी क्या थी। अभी भी पुलिस को बहुत कुछ खुलासा करना बाकी है। पुलिस को डाउट है कि शायद इस औरत का बहुत सारे और लोगों के साथ शारीरिक संबंध था, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ दो लोगों का ही खुलासा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि महत्वाकांक्षा सही है, लेकिन इस तरीके की महत्वाकांक्षा कितनी बुरी होती है जिसका इल्जाम इस तरीके के घटिया और भयानक इल्जाम पर पहुँचता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी भी इन्फॉर्मेटिव और वीडियोज़ में आपके लिए सपोर्ट करूँ, आपके लिए बना के लाऊँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।